अभी रायपुर में हूँ और मैं बस्तर की साइड जा रहा था। शाम के 7:30 बज रहे हैं और मैं बस लेने के लिए मैं बस स्टैंड पे था, तो वहाँ से पता किया तो बोला कि 10-11 बजे बस है। तो अभी 2-3 घंटे पड़े हैं, तो मैं इधर उधर घूम रहा था मतलब कुछ जूस वगैरह पीने के लिए ऐसे ही। तो इन्होंने मतलब ये अपने चैनल के सब्सक्राइबर मिल गए, तो इन्होंने मेरे को पहचान लिया कि सर आप यात्रा गुरु जी हैं। मैंने कहा तो अभी फिलहाल हम कोई मॉल में आए हैं, वहाँ पर मतलब मैं ढूंढ रहा था, तो ये मेरे को किसी मॉल में लेके आए हैं। तो हाँ, तो फर्स्ट टाइम इन्होंने मतलब देखती पहचान लिया कि अपने यात्रा गुरु जी है। तो आप मतलब वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं? हाँ, हम आपके सारे वीडियो देखते हैं, हम इनके सारे वीडियो देखते हैं, हम बकायदा इनके वीडियो लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज आप भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ऐसे ट्रैवलिंग के अंदर इस प्रकार की क्यूट क्यूट से अपने को सब्सक्राइबर मिल जाए ना, तो अपनी ट्रैवलिंग आसान हो जाती है और ज्यादा से ज्यादा घूमने फिरने का मन करता, नहीं तो एक क्या जर्नी जो होता है ना, वो जर्नी होती है वो बोरिंग हो जाती है। अब मैं आपको यहाँ का सीन दिखाता हूँ, देखिए राउंडेड एकदम शानदार वाला। मतलब एक बात है, लड़कियाँ है एडवांस हो मतलब लड़कियाँ एकदम मतलब एडवांस लेवल पे, मतलब हाई लेवल पे। तो अभी घूमते हैं इस मॉल के अंदर और कुछ पीते हैं जूस वगैरह। आज की पार्टी सब्सक्राइबर की तरफ से एक्सीलेटर के मजे लेते हुए दोस्तों ऊपर जा रहे हैं। तो शेक वाला जो काउंटर है वो ऊपर है और इनसे इंट्रोडक्शन भी करवाएंगे, इनके नाम वगैरह जानेंगे थोड़ा सा ऊपर जाके। तो वैसे नाम तो बताओ अपना, आपके ना क्या नाम है? मेरा नाम है मुक्ता साहू। आपका? मैं श्रद्धा। और आपका? मेरा नाम रोशनी तिवारी। मेरा आज इतना तो बिल्कुल नीचे जाना। शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों आइसक्रीम के साथ में, और इधर ये देखो सेल्फी फोटो वगैरह भी चल रहे हैं। यार लड़कियों के पता नहीं क्या ही क्या नखरे होते हैं ये। मैं तो अच्छा पैर करें क्या? अच्छा मेरा पैर नहीं है, बहुत बड़ा पैरा है। ओ मेरी वाली गिर रही है नीचे। यार ये देखो अमीरों वाली फीलिंग आ रही है आज पहली बार। आया क्या? दोस्तों रात के 11 बज रहे हैं और मैं बैठ चुका हूँ अपनी गाड़ी के अंदर, बस के अंदर। शानदार वाली LED लगी हुई है जो कि मेरे को नहीं देखना, और पूरी AC गाड़ी है शानदार वाली। बहुत ठंडी है यार, है ना यार, मज़ा आ गया। ब्लैंकेट वाली सुविधा मिल गई, इन्होंने ब्लैंकेट दे दिया तो ये अच्छा हो गया। मेरी एक ये टेंशन थी कि पूरा अच्छे से पैक किया हुआ बैग खोलना पड़ेगा, कंबल निकालनी पड़ेगी, फिर वापस सुबह समेट के वापस डालो। ये ट्रैवलिंग में ये ताम झाम नहीं हो तो अच्छा रहता है, और नाइट में यहाँ पर लगा देंगे मोबाइल चार्ज वगैरह फिलहाल। तो फाइनली बस्तर के दोस्तों दंतेवाड़ा में मैं पहुंच चुका हूं, और आप ये मेरे पीछे यहां पर एक शक्तिपीठ देख रहे होंगे, माँ दंतेश्वरी का मंदिर है दोस्तों, और इसी के नाम पर इस जगह का नाम दंतेवाड़ा पड़ा है, और माँ भवानी की ये शक्तिपीठ है। तो अभी दर्शन करते हैं माँ दंतेश्वरी की। और दोपहर के दोस्तों लगभग 12:30 बजे हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज धूप होने को है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मैं आपको बता दूँ, आप क्या सोच रहे हो कि मेरे को उस शानदार वाली बस के अंदर रात को अच्छी नींद आई होगी? घंटा ही नहीं आई, मतलब यार हालत खराब हो गई, इतने खड्डे वगैरह थे, मतलब ये ऐसे गर्दन तो है ना ऐसे यूं ऐसे मतलब ऐसे वैसे हो रही थी, मतलब सिर तो ये सीट पे टिक ही नहीं पाया, 1% नींद नहीं आई। 5:30 बजे मैं जगदलपुर के अंदर उतरा, फिर वहां पे मैंने एक डॉर्मेट्री ली सुबह 6 बजे, ठीक है। तो 6 बजे से लेकर 9 बजे तक बढ़िया शानदार मैंने वहां पर नींद ली, तो वही 3 घंटे की नींद हो पाई है ना, 6 बजे से लेकर 9 बजे तक की। फिर वहां से मैं लोकल बस पकड़ के लगभग 85 किलोमीटर जगदलपुर से दंतेवाड़ा पड़ता है बस्तर के अंदर दोस्तों, तो यहां पर आ चुका हूं, और अभी माँ शक्ति के दर्शन करते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। आ चुके हैं मंदिर के अंदर, और इस पोल को पकड़ने की क्या प्रथा है यहां पर किसी से पूछते हैं। सर ये क्या है, मतलब क्या मान्यता है सर इसकी? अच्छा, अगर हाथ पीछे से टच होता है तो कर्म अच्छे हैं। अच्छा कर्म अच्छे होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं पुण्य किए हैं तब जाकर ही ये हाथ टच होते हैं, ऐसे बोलते हैं। अच्छा मतलब वो तो अपनी ऐसी बॉडी है उस पे भी डिपेंड करता है। हाँ, बॉडी नरम हो तो आज जाएगा पीछे। तो
एक भाई से लिफ्ट लेकर दंतेवाड़ा सिटी से मैं थोड़ा सा बाहर की साइड आ गया हूँ और गर्मी बहुत ही ज्यादा है दोस्तों। ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं अभी मार्च अप्रैल के अंदर ट्रेवल कर रहा हूँ जबकि जनवरी का महीना चल रहा है। तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है लेकिन जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे आसपास हरियाली है उस हिसाब से ठंड बढ़ जाएगी ना। दोपहर का टाइम है और मैंने जैकेट उतार दिया है और टोपी मैंने उतार के देखी थी, चेहरा इतना कतई वाहियात लग रहा था, पूरे व्लॉग की ऐसी तैसी हो रही थी। तो मैंने कहा चलो टोपी तो वापस पहन लेते हैं, तो कैप मैंने वापस लगा ली। मतलब क्या है उसके पहनने की वजह से वो बाल क्या सारे ऐसे ऐसे जम गए ना, इतना गंदा लग रहा था चेहरा, मैंने वापस डाल दी। मैंने कहा यार व्लॉग की ऐसी तैसी हो जाएगी, इतना सुंदर चेहरा एक वाहियात लग रहा था एकदम। चलिए अब मैं निकल चुका हूँ बचेली की साइड और बीच में आदिवासी बहुत सारे जंगलों में गांव आने वाले हैं तो वहां पर हम उनका रहन सहन वगैरह देखने वाले हैं। और आसपास आप देख सकते हैं ये देखिए, ये टोटल इस प्रकार से जंगलों के अंदर लोगों के खेत वगैरह ये स्टार्ट हो गए हैं और पेड़ ही पेड़ बस टोटली ग्रीनरी नजर आ रही है आसपास। दोस्तों सर हमें लेके जा रहे हैं एक शानदार व्यू पॉइंट पर जो एक पिकनिक स्पॉट भी है यहाँ पर जंगलों के अंदर, जो संखनी नदी करके है, ये नदी का व्यू पॉइंट है दोस्तों शानदार वाला। आपको आवाज़ वगैरह आ रही होगी यहाँ पे, तो सर ने कहा कि आपको थोड़ा सा मैं एक शानदार व्यू दिखाता हूँ। तो ऐसे व्यू देखने के लिए तो इस बस्तर के जंगलों में आए हैं, इसीलिए तो हमारे सिटी में तो ऐसे नज़ारे दिखेंगे नहीं। तो सर वैसे आपका नाम क्या है? संजू सरकार हमारे साथ हैं और बिल्कुल शानदार देखो नज़र है। बरसात के टाइम तो यहाँ पर फुल बहाव होगा है ना। ये जो पत्थर दिख रहे होंगे दोस्तों आपको, ये पूरे ब्लैक कलर के पत्थर है एकदम पूरे टोटल। और क्या ही व्यू है यार, खतरनाक अल्टीमेट देखिए दोस्तों। ये नज़ारे सिर्फ और सिर्फ बस्तर के इन जंगलों में ही आपको मिल पाएंगे और अदर कहीं नहीं मिलेंगे। देखिए आहा, यहाँ पर दोस्तों सड़क के किनारे हम आपको दिखाते हैं ये सेल्फी है। अच्छा ये चावल के पानी के जैसा रंग है इसका है ना, व्हाइट कलर का पेड़ का रस है। ये प्योर पेड़ का रस है, इसमें कुछ नहीं मिला है और नहीं, कुछ नहीं, ये प्योर है एकदम। अच्छा तो इससे मतलब नशा आता है? फर्मेंटेड, जितना धूप पड़ते उतना फर्मेंट होते हैं। अच्छा जितना मतलब धूप के हिसाब से चढ़ेगी ये। तो ये किस भाव से मिलती है? 10 रुपए का ये लोटा है ना। तो काफी सस्ता है ये तो। मतलब नशा बियर के जैसा, मतलब ऐसा? हाँ, बियर ही सोच लिए, देसी बियर। अच्छा देसी है ना। सही ये चीज। तो यहाँ पर लगभग ये जंगलों में मिल जाता है सेल्फी? जंगलों में, घर पे लगाते हैं इसको। अच्छा घर पे लगाते हैं ये, मतलब आय का स्रोत है यहाँ का। अच्छा तो इसको मतलब बेच के आप दिन में कितना क्या कमा लेते हैं दीदी? कितना हो जाता फिर भी? अच्छा कितना हो जाता है दीदी? इधर दादी पी रहे हैं सेल्फी, पी रहे हैं इधर महिलाएं वगैरह सब पीते हैं सेल्फी है ना। इधर के कौन कौन से? एक तो सेल्फी हो गया, दो चार और है ना। चिंद हाँ। अच्छा वो खजूर का पेड़ जो रहता है हाँ, उसका रस। अच्छा घर के सयान में है तो ये बीमार है ना? हाँ, इनके तबीयत थोड़ा खराब है। अच्छा अभी धूप में सो रहे हैं। ये इधर खेत है? हाँ, सब्जी भाजी जो घर के लिए वो लेते हैं। अच्छा खेत काफी छोटे छोटे होते हैं? नहीं है, बड़ा खेत है ये, मतलब घरेलू जो रहता है साग भाजी के लिए। अच्छा धान वगैरह जो बोते हैं उसका अलग है इनका। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके खुले में इस प्रकार से रसोई बनी हुई है और आंगन के बीचों बीच में ये इस प्रकार से गड्ढा बनाया हुआ है और केले के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और केले भी लगे हुए दिख रहे हैं आपको। ये देखिए ये है केले और यहाँ पर ये इधर ये इनका घर है बस्तर के अंदर और पूरा आसपास ये टोटल जंगल है और जंगल के अंदर ही ये सारे बहुत सारे घर बने हुए हैं। और ये भैया जी यहाँ पर किसी से मिलने के लिए आए तो मैंने भी इनका थोड़ा रहन सहन देख लिया। और इधर भी अगर मैं आपको थोड़ा सा ऊपर घर दिखाऊं इनका तो यहाँ पर ये इधर घर बने हुए हैं ऊपर बहुत सारे और बड़े बड़े पेड़ और जो अभी आपने जो सेल्फी देखी थी तो उन सेल्फी के भी बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं जिसमें से जो रस निकलता है वो थोड़ा एक औषधि के रूप में हल्का हल्का नशा आता है ऐसा कुछ ये बता रहे थे। ये जो पेड़ देख रहे हो दोस्तों ये सेल्फी का पेड़ है, इसमें से जो रस निकलता है वो ये लोग पीते हैं और आनंद देते हैं।
एक कोई दूसरे घर के अंदर आए हैं दोस्तों। यहाँ पर दादाजी और दादी जी बैठे हैं और ऊपर उनके रहने का एक इस प्रकार से घर बना हुआ है और ये इस प्रकार से इनके ये बैठक रूम के हिसाब से पत्रे डाल के बनाया गया। मैं थोड़ा सा आपको अंदर से दिखाऊँ, ये देखिए ये यहाँ पर सोने की इन वगैरह व्यवस्था है, कितना खुला और ये चारों तरफ प्रकृति के नीचे इस प्रकार से देखिए बड़े बड़े सागवान के इन वगैरह पेड़ लगे हुए हैं। आसपास महुआ के भी पेड़ बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। और पीछे मैं आपको दिखाऊं कि ये खेत है दादा, है ना? हाँ हाँ, किनारे ये देखिए, ये है दोस्तों यहाँ पर इनके खेत है छोटे छोटे बने हुए। ये अलग अलग लोगों के है कि आपके ही सारे? ये आपका खुद का है? अच्छा, ये सारे ये दादी जी हैं दोस्तों।